Good afternoon, everyone. Welcome to Go Prep. Myself Seep. A very good afternoon to everyone. Hello. Welcome to your favorite channel, Go Prep Need. कैसे हैं सब लोग? Hi Nisha, good evening. Yes, it is a time of revision for some, and it is something new for other students. गुड इवनिंग विशाल, रजनी, कुलदीप, अनामिका. खूब बातें कर ली आपने फ्रेंडशिप स्टे के बारे में. सो लेट अस नाउ टॉक अबाउट जूलॉजी, है ना? जूलॉजी की क्लास है तो हम उसी की बात करेंगे. हेलो यासिर, हाय राज, कैसे हैं सब लोग? हाउ वॉज योर वीकेंड? पढ़ाई चल रही थी वीकेंड पे, या फिर हम सारा टाइम सोकर बिता लेते हैं? गुड इवनिंग आयनवर, हाय शेख, हाय अर्शिया. बताइए बताइए, पढ़ाई चलती है आपकी या नहीं चलती? पूरी मस्ती करते हैं आप? श्योर श्योर, वी विल प्लान. जब हमारा हाफ चैप्टर पूरा हो जाएगा ना, तब हम मेंटी क्विज के लिए जरूर प्लान करेंगे. लेट अस जस्ट कंप्लीट फ्यू मोर फाइलम्स, टू थ्री फाइलम्स और कर लेते हैं, देन वी विल गो फॉर मेंटी क्विज. सोकर ही निकलता है, पीपल आर सेइंग सोकर ही निकलता है. ऐसे कैसे तैयारी होगी? डॉक्टर बनना, बच्चे डॉक्टर बनना सोते सोते तो नहीं बन सकते. सोते हुए तो सिर्फ ड्रीम्स में डॉक्टर बन सकते हो. रियालिटी में बनना है तो फिर उठकर पढ़ना पड़ेगा, है ना? चलिए, let us talk about our today's topic. In last week we had started with animal kingdom. हमने सबसे पहले उसका basis of classification कर लिया था. basis of classification के बाद we had talked about three phylums also, है ना? सबसे पहला phylum कौन सा था आप ही बताएंगे. come on tell me, फटाफट से याद कर लीजिए. पहला phylum कौन सा था, दूसरा कौन सा है? we are going to discuss little bit about them also. बट बिफोर स्टार्टिंग विद आर एक्चुअल चैप्टर, दिस इज योर टूडेज टाइम टेबल, जिसमें आप 5 o'clock तक पहुंच चुके हैं. इतने सारे आपने लेक्चर्स लगा लिए हैं. यू आर लेफ्ट विद जस्ट 6 and 7 PM, जिसमें 6 o'clock यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट अबाउट मोशन इन द स्ट्रेट लाइन, एंड नेक्स्ट इज गोइंग टू बी द एटॉमिक स्ट्रक्चर. तो हमने आज बच्चे स्टार्ट करना है नेक्स्ट फाइलम. कितने फाइलम्स हमने कर लिए हैं? दिस इज जस्ट द रिविजन ऑफ प्रीवियस क्लास. We had discussed phylum number 1, phylum number 2, phylum number 3, and I want names of these phylum from all of you. सब बच्चे मुझे नाम बताएंगे 1, 2, 3 लिखकर. Write down 1 क्या था, 2 क्या था, 3 क्या था. सबको पता होना चाहिए. 1, 2, 3 मतलब what is number 1, what is number 2, what is number 3. Yes, absolutely correct. सबसे पहला phylum था the simplest phylum, that is called as Porifera, है ना? सिंपलेस्ट फाइलम वॉज पॉरीफेरा. पॉरीफेरा को और क्या बोलते थे बच्चे? हम स्पॉन्जेस भी बोलते थे, बिकॉज दे वर पोर बियरिंग एनिमल्स, इसीलिए इनका अदर नेम क्या था? पॉरीफेरा. सेकेंड फाइलम, सेकेंड उससे थोड़ा सा एडवांस जाना है. वो सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, आपने उससे एडवांस जाना है. एडवांस जाइए विच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? टिश्यू लेवल. टिश्यू लेवल पे किसका नंबर आएगा? दैट इज गोइंग टू बी सीलेंट्रेटा. वेरी गुड शाहिना, दैट इज गोइंग टू बी सीलेंट्रेटा. Then third one, whose property almost resembles Coelenterata, but they were not having nidoblast cells. उनको हम क्या बोलते थे जो bioluminescence show करते थे? उनको हम क्या बोलते थे बच्चे? Ctenophora. Right? ये तीन phylums हम already कर चुके हैं. Sponges, that means pore bearing animals. Coelenterata मतलब tissue level of organization वाले, जिसमें हमने example क्या किया था? Hydra किया था, है ना? और क्या एग्जाम्पल किया था? ओबिलिया किया था. वी टॉक्ड अबाउट जेलीफिश, वी टॉक्ड अबाउट ऑरेलिया, है ना? देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि दिस सीलेंट्रेटा दे हैव स्पेशलाइज्ड सेल, स्टिंगिंग सेल्स थे इनके पास. कौन से सेल्स थे बच्चों? क्यों इनका नाम नाइडेरिया डाला था? कमॉन कमॉन, वाई सीलेंट्रेट्स दे वर कॉल्ड एज नाइडेरियंस? वेरी गुड साई, वेरी गुड. मेटाजेनेसिस यू हैव मेंशन इन
राइट, एब्सोल्यूटली बिल्कुल ठीक साई, आपने मुझे एक ही बारी में सारी प्रॉपर्टीज बता दी हैं इसकी. आई एम अगेन आस्किंग फ्रॉम एवरीवन दैट व्हाई सिलेंट्रेट्स दे वर कॉल्ड एज नाइडेरियंस. यस शेख, यू हैव गिवन मी द राइट आंसर. क्यों बोलते हैं इसको नाइडेरियन? बिकॉज दे हैड स्पेशलाइज सेल्स, जिनको हम क्या बोलते थे? नाइडोब्लास्ट बोलते थे, जिसके अंदर क्या होता था? स्टिंगिंग कैप्सूल होता था. राइट, याद है ना सबको कैसे वो अपनी थ्रेड ट्यूब बाहर निकाल के यू नो दे हिप्नोटाइज देयर प्रे, और वापस से फिर थ्रेड ट्यूब कभी भी अंदर नहीं जाती थी. इस तरीके से दैट हिप्नोटाइजिंग प्रॉपर्टी इज ड्यू टू दी स्टिंगिंग कैप्सूल प्रेजेंट इन द नाइडोब्लास्ट सेल, इसीलिए इसको क्या बोला जाता था? नाइडेरिया. दिस वॉज द सेकेंड नेम ऑफ सिलेंड्रेटा. देन आता था टीनोफोरा. टीनोफोरा की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या थी? बायोल्यूमिनेसेंस. Right, being a living organism, they used to emit light. That property is called as bioluminescent. It's okay, Khushbu. We have just started. अभी just हमने start ही किया है. I was just revising कि last lecture में, last three classes में हमने क्या-क्या discuss किया था. चलिए start करते हैं with our next phylum. Next phylum is phylum number. Number भी सबको पता होना चाहिए. That is phylum number fourth, and that is called as platyhelminthes. जब भी word आ जाए helminth, helminth का मतलब मतलब होता है वर्म. एनी काइंड ऑफ वर्म इज कॉल्ड एज हेलमिंथ. अभी हम आगे करेंगे एसेक हेलमिंथीज, प्लैटी हेलमिंथीज. ये प्लैटी वर्ड कहां से आया है? फ्रॉम बीइंग फ्लैटन्ड. सो द अदर नेम ऑफ द कॉमन नेम ऑफ प्लैटी हेलमिंथीज इज फ्लैट वर्म्स. हेलमिंथ मतलब वर्म, प्लैटी वर्ड इज फॉर फ्लैटन्ड. सो animals of the platyhelminthes phylum, they are dorso ventrally flattened. dorsal or ventral side se chapti hui body hai, flat body hai. for example, agar ye aapka worm hai jo upar wali side hoti hai which faces the air, that is called as a dorsal side. niche wali side jo ground ko face karti hai, that is called as a ventral side. to ye dono side se kya hai? bilkul flat hai. to is property ko kya bolte hain? these are dorso ventrally flattened animals. that is why the other name of platyhelminthes is flatworms. very important. sabse pehla neat ka questions to yahi banta hai ki inme se flatworm kaun hai, ya flatworm hum kis phylum ko bolte hain? that is called as platyhelminthes. पीपल आर आस्किंग की नोट्स कहाँ पर मिलेंगे. फॉर नोट्स यू हैव टू एंटर इन टू आर टेलीग्राम चैनल. टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, वहां पर यू विल गेट ऑल द पीडीएफ्स ऑफ एवरी सेशन. राइट, सो सबसे पहली प्रॉपर्टी इज दैट द एनिमल्स बिलोंगिंग टू प्लैटीहेलमिंथीज, दीज आर डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटर्ड, दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड एज फ्लैट वर्म्स. सिंपल. नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट देयर एरिया वेयर दे लिव, हैबिटेट की बात करें तो मोस्टली दे आर एंडो पैरासाइट. पैरासाइट का मतलब समझते हैं, ऐसे एनिमल्स जो किसकी बॉडी के अंदर रहते हैं, किस पर डिपेंडेंट होते हैं, होस्ट पर डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन. नाउ दीज प्लैटीहेलमिंथीज दे लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट, अंदर रहते हैं, दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड एज एंडो पैरासाइट. आज हम एग्जाम्पल करने वाले हैं बहुत सारी, जहां पर आपको पता चलेगा कि दीज आर लिविंग इनसाइड द ह्यूमन इंटेस्टाइन, दीज आर लिविंग इनसाइड द बॉडी ऑफ पिग, इनसाइड द बॉडी ऑफ कैटल. सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बीइंग अ पैरासाइट, दे विल बी डिपेंडेंट ऑन द होस्ट बॉडी, प्लस वो होस्ट की बॉडी के ऊपर नहीं, उसके अंदर रहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज एंडो पैरासाइट. नाउ वेदर दे आर फ्री लिविंग और दे आर पैरासिटिक, तो हमने देखा कि मोस्टली तो क्या होंगे? पैरासिटिक. लेकिन कुछ ऐसी फॉर्म्स हैं, सम फॉर्म्स दे आर फ्री लिविंग. फ्री लिविंग मतलब विच आर नॉट पैरासिटिक, विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट. एंड द एग्जाम्पल ऑफ फ्री लिविंग फ्रेश वॉटर फ्लैट वॉर्म, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज गोइंग टू बी प्लेनेरिया, ऑल्सो कॉल्ड एज ड्यूगेसिया. ये जो मैंने बनाया है, दिस इज अगेन प्लेनेरिया ओनली. तो प्लेनेरिया इट इज अ फ्री लिविंग फ्रेश वॉटर फ्लैट वॉर्म. मरीन वॉटर नहीं है, फ्रेश वॉटर है. पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म, आंसर इज गोइंग टू बी द प्लेनेरिया. याद रहेगा इतना? Come on, tell me. इतना याद रहेगा सबको? Yes, Jugesia is the other name of Planaria only. Very good sign. They show a high property of regeneration. अगर किसी वजह से Planaria की body parts में break हो जाती है, then they have this capability that each part can regenerate into a whole new Planaria. We'll talk about that in their reproduction. अभी we are discussing the general features. और जनरल फीचर की बात करें तो सबसे पहले देयर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बच्चे ऑर्गन.
ऑर्गन क्यों बोला? क्योंकि हम हायरार्की में चल रहे हैं. सबसे पहला फाइलम कौन सा था? पॉरीफेरा. तो इसके पास सबसे बेसिक लेवल था, दैट वॉज सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट. उससे अगला फाइलम कौन सा था? सीलेंटरेटा और टीनोफोरा, है ना, ये दोनों अगले थे. इनके पास थोड़ा सा हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज टिश्यू लेवल. अब अगले नंबर पे कौन सा आ रहा है गाइज? दैट इज प्लैटी हेलमेंथीस, है ना. इसमें थोड़ा एडवांस कर जाइए, एडवांस कौन सा हो जाएगा? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सिस्टम नहीं होंगे, सिर्फ क्या प्रेजेंट होंगे? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स. एंड द टाइप ऑफ सिमेट्री, बच्चे टाइप ऑफ सिमेट्री पॉरीफेरा के पास कौन सी थी? दे वर एसिमेट्रिकल. ध्यान दो, हम यहां पर सारा पिछला रिवाइज करते जा रहे हैं. आधे से ज्यादा क्वेश्चन आपके जो पीछे इंपॉर्टेंट थे, वी आर गोइंग टू कवर हेयर ओनली. सो सिमेट्री इन पॉरीफेरेंस, दैट वॉज एसिमेट्रिकल. सीलेंटरेट में कौन सी सिमेट्री थी? रेडियल सिमेट्रिकल. प्लैटी में उससे एडवांस होगी, एडवांस कौन सी है? बाइलैटरल सिमेट्री. दैट मींस बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स बाय ओनली वन प्लेन विच पासेस थ्रू देयर सेंटर. यही मतलब होता था बाइलैटरल सिमेट्री का, कि एक ही प्लेन के थ्रू आप लेफ्ट और राइट साइड में बॉडी को डिवाइड कर सकते हो. डॉक्टर जे डी, ओनली ऑर्गन्स वुड बी देयर, नॉट सिस्टम. सिस्टम की बात नहीं करते हैं वो. इससे अगले फाइलम में हम ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, ठीक है. अभी इट इज जस्ट ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट देयर जर्म लेयर्स. नाउ नंबर ऑफ जर्म लेयर्स, दीज आर थ्री. सीलेंट्रेटा में कितनी थी? कितनी थी बच्चों? डिप्लोब्लास्टिक. दो थी. कौन कौन सी? बाहर वाली एक्टोडर्म, अंदर वाली एंडोडर्म. बीच में एक जली लाइक सब्सटेंस था, क्या बोला था उसको? मिजोग्लिया. नॉट मिजोडर्म, क्या बोला था उसको? मिजोग्लिया. नाउ इफ आई टॉक अबाउट प्लैटी हेलमिंथीस, तो एडवांस हो जाइए. डिप्लो से अगला आ जाएगा कौन सा? ट्रिप्लोब्लास्टिक. दैट मीन्स इसके पास तीनों जर्म लेयर्स है. कौन कौन सी? आउटर मोस्ट इज गोइंग टू बी द एक्टोडर्म, इनर मोस्ट इज गोइंग टू बी द एंडोडर्म, एंड द मिडल वन. अब मिजोग्लिया नहीं है यहां पर, प्रॉपर सेल्स प्रेजेंट है. किसके प्रेजेंट है? मिजोडर्म के प्रेजेंट है. नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट सिलोम. सिलोम कैसी है? इन दिस केस बॉडी कैविटी इज कंप्लीटली एबसेंट. बॉडी कैविटी, खाली जगह नहीं है. कैविटी तो थी, बट दैट कैविटी इज कंप्लीटली फिल्ड विद मीजोडर्म. हर जगह पर किसके सेल्स आ रहे हैं? मीजोडर्म के सेल्स आ रहे हैं. लुक एट दिस डायग्राम. यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इस मीजोडर्म ने पूरा एरिया कवर कर लिया है, कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ी है. और अगर जगह खाली नहीं छोड़ते तो हम कभी नहीं बोलते कि कैविटी इज प्रेजेंट. सो देयर इज नो सिलोम प्रेजेंट. दोज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज एसिलोमेट्स, राइट. मिजोग्लिया नहीं है, मिजोडर्म है, और मिजोडर्म पूरी की पूरी कैविटी को कवर कर रही है. दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड एज एसिलोमेट्स, राइट. रमेश, सुगली, बिल्कुल ठीक. आप सब साथ साथ मेरे ज्वाइन कीजिए. कीप ऑन आंसरिंग द क्वेश्चंस, कीप ऑन डिस्कसिंग द थिंग्स इन चैट सेक्शन, राइट. अब क्वेश्चन ये आता है, नेम द फर्स्ट फाइलम विच हैज गॉट बाइलेटरल सिमेट्री. नेम द फर्स्ट फाइलम विच हैज विच इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, फर्स्ट एसिलोमेट फाइलम. तो इन सब के आंसर्स क्या हैं? प्लैटी हेलमिंथीस. सो आई एम राइटिंग द लाइन विच इज इंपॉर्टेंट फॉर नीड, दैट इट इज द फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक फाइलम, पहली चीज, क्योंकि इससे आगे वाले तो सारे ट्रिप्लो हैं, लेकिन पीछे वाले क्या थे? डिप्लो. सो इट इज फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक फाइलम. And it is the first phylum to have bilateral symmetry. First time bilateral symmetry किसमें देखी गई? Platyhelminthes में. First time bilateral symmetry was seen in Platyhelminthes, and it is first triploblastic organism. And it is the only phylum which does not have siloam. It is acoelomate. This is highly important from NEET point of view. ठीक है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट देयर डाइजेस्टिव ट्यूब. अब इनके पास कैसा लेवल बॉडी प्लान है? बॉडी प्लान कैसा है बच्चों इनके पास? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान. द टाइप ऑफ बॉडी प्लान इज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान. मैंने आपको बताया था ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कैसा होगा. द प्लान इन विच देयर इज सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड. इसी जगह से सब्सटेंसेस आर गोइंग टू एंटर, इसी पोर से सब्सटेंसेस दे आर गोइंग टू एग्जिट. दिस टाइप ऑफ बॉडी प्लान वॉज कॉल्ड एज ब्लाइंड सैक. तो इनकी भी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव ट्यूब है, इट हैज गॉट ओनली वन ओपनिंग
to the outside, which will serve as both mouth and anus. इससे अगला जो फाइलम आएगा उसमें क्या होगा बच्चे, ट्यूब विद इन ट्यूब, माउथ सेपरेट होगा, एनस जैसा स्ट्रक्चर सेपरेट होगा, बट यहां पर देयर इज नो एनस, माउथ के थ्रू ही एंट्री, माउथ के थ्रू ही क्या होगा एग्जिट. फटाफट बता दो हाइड्रा में कैसा बॉडी प्लान था, कम ऑन टेल मी टाइप ऑफ बॉडी प्लान इन हाइड्रा. आई टॉक्ड अबाउट दैट लास्ट वीक. रोजी सिमेट्री से जर्म लेयर का कोई लेना देना नहीं है. सिमेट्री का मतलब है कि क्या हम कितने प्लेन्स हैं जिनके बेसिस पर हम उनकी बॉडी को इक्वली डिवाइड कर सकते हैं. राइट कैसा था, आई एम आस्किंग अबाउट द बॉडी प्लान ऑफ हाइड्रा. बॉडी प्लान, यस वेरी गुड शेख, द बॉडी प्लान इन हाइड्रा वॉज ऑल्सो ब्लाइंड सैग बॉडी प्लान. अभी तक ट्यूब विद इन ट्यूब नहीं आया है सीन में, वो इससे अगले फाइलम में आएगा. अभी जो इनका बॉडी प्लान है दैट हैज गॉट सिंगल ओपनिंग टू आउटसाइड एंड दिस टाइप ऑफ सिस्टम, हमने इसको क्या किया, क्या बोला था, दैट इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. Incomplete digestive tube or incomplete digestive system. And if I talk about specific type of platyhelminthes, that is tapeworms, unme kya hoti hai, digestive tract is completely absent and it is a kind of adaptation as their parasites. Adaptation for parasite. इनके पास तो डाइजेस्टिव ट्यूब ही नहीं है, ये क्या करते हैं, दे डायरेक्टली एब्जॉर्ब द मटेरियल फ्रॉम होस्ट. देखो टेप वर्म ने किसकी बॉडी के अंदर रहना है, होस्ट. फॉर एग्जांपल ये किसकी बॉडी है, होस्ट की बॉडी है, और बीच में क्या प्रेजेंट है, पैरासाइट. हमारे पास पैरासाइट कौन सा है, टेप वर्म, ठीक है, एंडो पैरासाइट है. अब इसके पास हम बोल रहे हैं देयर इज नो डाइजेस्टिव ट्यूब, दैट मींस जो भी होस्ट बनाएगा, जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो डायरेक्टली किसकी बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाएंगे, इनटू द बॉडी ऑफ टेपवर्म. दैट मींस इसको कोई भी डाइजेशन इंजेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है. जैसे ये होस्ट की बॉडी के अंदर जाएगा, होस्ट के जो न्यूट्रिएंट्स होंगे दे विल कीप ऑन अब्सॉर्बिंग टू द बॉडी ऑफ द पैरासाइट. ठीक है, वी विल टॉक अबाउट द ट्रिक. अभी जेडी हम आए नहीं है उस पर, वी हैव नॉट येट कम ऑन द डाइजेस्ट, वी हैव नॉट येट कम ऑन द साइंटिफिक नेम्स. जैसे ही हम साइंटिफिक नेम्स पे आएंगे आई विल टेल यू अबाउट द ट्रिक, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड. हाई कोहिल, फटाफट से ज्वाइन कर लो, फटाफट से शेयर भी कर दीजिए आप इस सेशन को, बिकॉज वी हैव जस्ट स्टार्टेड, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स दे कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस सेशन. Now talking about the same thing, that is parasitic adaptation. Since platyhelminthes mostly kya hai, they all are endoparasite. तो पैरासाइट होस्ट की बॉडी के अंदर जाकर इनको क्या क्या चीजें हेल्प करती हैं. सबसे पहली चीज, देयर बॉडी यूजुअली कंसिस्ट ऑफ हुक्स. इनके पास क्या प्रेजेंट होंगे, हुक्स. लुक एट दिस, ये जो रोज है ये किसकी है, आपके हुक्स की. किस चीज में हेल्प करेंगी हुक्स, दे विल हेल्प द वर्म इन अटैचिंग टू द वॉल ऑफ द होस्ट, होस्ट की बॉडी के साथ चिपकने के लिए. देखिए अगर ये होस्ट की वॉल है, इसके साथ अगर वो चिपकना चाहते हैं, इन दैट केस दे नीड एन अटैचमेंट, दे नीड एन अडहेसिव स्ट्रक्चर. अडहेसिव मतलब चिपकने वाला, फेविकोल टाइप का स्ट्रक्चर, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज हुक्स. अनदर पैरासिटिक अडेप्टेशन जो इनको हेल्प करता है होस्ट की बॉडी में रहने में, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ सकर्स. सकर्स किसके लिए होगा, लुक एट दिस, दीज आर सकर्स. ठीक है, सकर्स दे आर सक्टोरियल ऑर्गन्स, नाम से ही क्लियर है. यूजुअली दे हेल्प इन द इंजेशन, सक करने में, न्यूट्रिएंट्स को सक करने में, सब्सटेंसेस को अपने अंदर लेने में कौन हेल्प करेगा, सकर. प्लस साथ में इनका हुक्स वाला भी फंक्शन है, दे ऑल्सो हेल्प इन एडिशन, चिपकने के काम आते हैं. देन देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ थिक कवरिंग. इंटेग्यूमेंट का मतलब होता है अ प्रोटेक्टिव कवरिंग, ताकि जो होस्ट के एंजाइम्स हैं, ताकि जो होस्ट की सिक्रीशन है वो इसकी बॉडी को हार्म ना पहुंचा पाए. और साथ ही में पिछले टॉपिक पे मैंने आपको बताया था कि जो टीनिया है उसके पास डाइजेस्टिव ट्यूब नहीं है. डाइजेस्टिव ट्यूब नहीं है तो ये कैसे सब्सटेंसेस अंदर लेता है, बाय थ्रू देयर सरफेस. एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली होता है इसके सरफेस के थ्रू. इसने कोई इंजेक्शन नहीं करना, कुछ नहीं करना, डायरेक्टली द न्यूट्रिएंट्स वुड बी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द बॉडी सरफेस. डिड यू गेट अबाउट दिस पैरासिटिक अडेप्टेशन, क्या चीज इनको बेस्ट पैरासाइट एंडो पैरासाइट बनाती है. कमॉन कमॉन टेल मी, क्या सबको चारों चीजें क्लियर हुई.
गुड इवनिंग सानिया, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। अभी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, फटाफट से सबको बुला लीजिए क्योंकि हमने स्टार्ट कर लिया है। मैंने आपको चार टाइप की अडेप्टेशंस बताई है ना। यस दे आर हाईली वर्सेटाइल निकिता, हाईली वर्सेटाइल, बहुत सारे वैरायटी के हैं, अभी हम आगे देखने वाले हैं। रीजनरेशन कैपेसिटीज जनरली इन प्लेनेरिया जेली, प्लेनेरिया में हम देखेंगे, अभी मैं आगे आपको डायग्राम से भी एक्सप्लेन करूंगी कि हाउ दे रीजनरेट। क्लियर है ना सबको? जिस जिसको क्लियर है फटाफट से मुझे एटीपीज चाहिए। पुराने बच्चे नए बच्चों को बता दें कि व्हाट आर एटीपीज, हमें कितनी बारी क्लास में एटीपीज देने होते हैं, कितने एटीपीज देने होते हैं। तो कीप ऑन गिविंग द एटीपी, कीप ऑन स्प्रेडिंग योर लव। श्योर डॉली। तो आई वॉज सेइंग कि होस्ट की बॉडी के अंदर, ये कौन है होस्ट, होस्ट के अंदर किसने रहना है, पैरासाइट ने रहना है। अब देखो होस्ट तो बहुत सारा कंसेंट्रेटेड सब्सटेंसेस रिलीज कर सकता है, डाइजेस्टिंग एंजाइम्स रिलीज कर सकता है। अगर होस्ट के एंजाइम आएंगे तो हो सकता है पैरासाइट को ईट अप कर ले, हो सकता है इसकी फैगोसाइटोसिस हो जाए। तो ये कैसे बचकर रहता है, इसकी जो बाहर की कवरिंग है वो बहुत थिक है, बहुत मोटी सी लेयर बना रखी है इसने, जिसकी वजह से जो होस्ट के एंजाइम्स हैं, होस्ट का एसिड है, होस्ट के सेल्स हैं, वो इस पैरासाइट को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सो इंटेगुमेंट मतलब उसने अपने बाहर एक शील्ड बना लिया, प्रोटेक्टिव शील्ड बना लिया और वो छुप कर बैठा है कि मुझे कोई हार्म अब नहीं कर सकता। सो दिस इज हाउ दे लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट, क्योंकि होस्ट की बॉडी भी बहुत होस्टाइल है, उसमें अलग अलग टाइप की सिक्रीशंस होती हैं, उससे इनकी डेथ हो सकती है। तो ये अपने आप को कैसे बचा के रखते हैं, बाय अ प्रॉपर कवरिंग। एब्सोल्युटली हरिओम ने आपको बता दिया कि एटीपीज का क्या मतलब होता है। तो जितने बच्चे देख रहे हैं फटाफट से एटीपीज दे दो। पता चला आपको डॉली कि इंटेग्यूमेंट्स क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग क्यों चाहिए इनको, राइट? चलिए गुड, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सरप्राइज फॉर यू दैट वी आर लॉन्चिंग अ मिनी कोर्स फॉर यू, 7 डे कोर्स है, वीक का कोर्स है, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है आज सुबह से 8th of June से, जिसमें यू कैन बिकम मास्टर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, यू कैन गेट कमांड ऑफ दिस चैप्टर। तो इफ यू स्टिल वॉन्ट टू लर्न दिस चैप्टर, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है, स्टिल नाउ यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स बाय कॉन्टैक्टिंग अस ऑन दिस ईमेल आई डी और यू कैन ऑल्सो कॉल अस। Moving ahead with their other properties, coming to excretion and osmoregulation. Excretion का मतलब होता है removal of nitrogenous waste. Osmoregulation का मतलब होता है balancing the water and salt concentration in the body. अब excretion और osmoregulation के लिए बच्चे इनके पास special cells हैं. They have got special cells and those special cells are called as flame cells. Mark कर लो, it is 5-star question. Flame cells किसके excretory structure हैं? Flame cells किसके excretory structure हैं? Platyhelminthes के. अब इनको flame क्यों बोला? Flame तो समझते हो ना? When we light a candle, candle का ऊपर से क्या आता है? Flame आता है. So look at this flame cell. फ्लेम सेल के पास क्या प्रेजेंट होंगे? बहुत सारे फ्लैजेला, एंड दीज फ्लैजेला दे कीप ऑन मूविंग, फ्लिकरिंग एक्शन है इस तरीके से, लाइक दिस, विच गिव्स अ फ्लेम लाइक अपीयरेंस। कितने सारे फ्लैजेला देख रहे हैं, 1, 2, 3, 4। सो ऑल दिस फ्लैजेला दे मूव एंड दे क्रिएट अ फ्लेम लाइक अपीयरेंस, इसीलिए इनको क्या बोला गया है बच्चे, फ्लेम सेल्स। JD, I already took one mini course. मैंने already mini course लिया था जब हमने जिसमें digestion पढ़ा था. 1 week में I told you, I taught about the full digestion. Maybe you were not part of this channel at that time, but now this week we have a mini course of chemistry. Probably next week we may launch a mini course of biology as well. So you have to stay tuned for that. ठीक है? So these are the flame cells. Flame cells का function क्या है? For excretion. Flame क्यों बोला है? क्योंकि जो इनके flagella है वो इस तरीके से move करेंगे and they will create a flame-like appearance. That is why these are called as flame cell. Next important thing is about their nervous system. Now in their nervous system, look at this. इनके पास क्या होगा? A pair of longitudinal nerve cord, ऐसे लंबी लंबी nerve cords होंगी जो आपस में जुड़ी होंगी by transverse nerve cords, which will give appearance like a ladder. दिख रहा है सबको, सीढ़ियों के जैसा। Look at this, ये हैं आपकी longitudinal, लंबी सी nerve cords,
लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स, और ये क्या है आपकी ट्रांसवर्सली प्लेस्ड नर्व कॉर्ड्स, राइट, जो दो लॉन्गिट्यूडनल को क्या कर रही है, जोड़ रही है। और अपीयरेंस कैसे आ रहा है, जैसे सीढ़ियां हो, और जब भी सीढ़ियों जैसा अपीयरेंस आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, दे हैव अ लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। दिख रहा है सबको सीढ़ियों जैसा? कम ऑन टेल मी, कैन यू फिगर आउट कि दे हैव लैडर लाइक नर्वस सिस्टम, कि दो लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स हैं, देन उसमें दीज आर कनेक्टेड बाय द ट्रांसवर्स नर्व कॉर्ड। ट्रांसवर्स नर्व कॉर्ड दे विल अपियर लाइक द स्टेप्स ऑफ द स्टेयर्स, स्टेप्स की तरह लग रहा है, इसीलिए इनका क्या है, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे प्रीवियस टॉपिक का पूछ रही हूँ, प्रीवियस फाइलम का पूछ रही हूँ, दैट वट टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम वॉज इन हाइड्रा, सिलेंट्रेट में कैसा था, क्या नर्वस सिस्टम था भी या नहीं था, अगर था तो कैसा था, क्या वो भी लैडर लाइक था या वो नेटवर्क टाइप बनाते थे। कम ऑन टेल मी, बताइए बताइए, हाइड्रा में कैसा था, हाइड्रा में कैसा नर्वस सिस्टम था? वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं अनामिका, निकिता, जो रिवाइज कर रहे हैं उनको पता होगा, रिवाइज करना बहुत जरूरी है। राइट राइट, बिल्कुल ठीक बच्चे, हैरी, सुनील, यासिर, अनन्या, लक्ष्मी, गुड आंसर। अगर मैं बात करूं पॉरीफेरा की, पॉरीफेरा एक ऐसा फाइलम था जिसके पास एक भी नर्व सेल नहीं था, नो नर्व सेल एट ऑल। अगर मैं बात करूं सीलेंट्रेटा की, जिसमें हाइड्रा आता है ना, उसमें अभी आपने बताया कि कैसा नर्वस सिस्टम होगा, नेटवर्क लाइक नर्वस सिस्टम। एंड इफ आई टॉक अबाउट प्लैटीहेलमिंथीज, तो आपने टर्म याद करनी है, कौन सी टर्म याद रखनी है, दैट इज लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाना है, कहां पहुंचना है, सीढ़ी चढ़कर ब्रेन तक पहुंचना है, और ब्रेन से भी ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा, आई स्पॉट्स। Moving on, some other characteristics of platyhelminthes. Now their exome and endoskeleton is completely absent. कुछ भी नहीं है skeleton के नाम पे, no bones, no cartilage, no spicules, no sponge and fibers. Another special property is that कि इनकी body में, अगर ये देखो इनकी body है, and these are some organs, अगर ये कोई organ है, now the space between the organ and the body wall is filled by a tissue, is filled by a cell. ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर कॉल्ड एज पैरेन्काइमा, क्या बोल देंगे इसको, पैरेन्काइमा। सो बॉडी में कोई भी जगह खाली नहीं है, कैविटी तो नहीं है, हमें पता ही है क्योंकि ए सीलोमेट है, तो जो वो खाली जगह है वो किसने फिल करके रखी हुई है, अ स्पेशल टिश्यू दैट इज कॉल्ड एज पैरेन्काइमा। एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, दीज आर कंप्लीटली absent because these are simple animals, इन्होंने mostly किसके अंदर रहना है, host की body के अंदर रहना है, तो आधे से ज्यादा चीजें तो ये किसकी use कर लेते हैं, host की, इनको खुद process करने की कोई जरूरत नहीं है। And in this video you are seeing, ये कौन दिख रहा है आपको, which organism, come on tell me, name this organism, this is the free living platyhelminth। मैंने आपको हिंट दिया कि इस वीडियो में कौन दिखाई दे रहा है, फ्री लिविंग प्लैटीहेलमिंथ। फ्री लिविंग कौन है, फ्री लिविंग प्लैटीहेलमिंथ इज विजिबल इन दिस वीडियो एंड दिस फ्री लिविंग, वेरी गुड प्रशांत, दैट इज प्लेनेरिया। तो ये कौन दिखाई दे रहा है आपको, प्लेनेरिया, और ये कैसा है, फ्री लिविंग प्लैटीहेलमिंथ। फ्री लिविंग है तो पानी में रहता है, यस, aquatic है, कौन से पानी में रहता है, मरीन और फ्रेश वाटर, दैट इज गोइंग टू बी फ्रेश वाटर प्लैटीहेलमिंथीज, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट सर्टेन अदर फीचर्स, फर्स्ट बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन की। Now their body consists of both the types of sex organ, that is they are hermaphrodite or monoecious, है ना, hermaphrodite के लिए और का word use होता है monoecious, monoecious मतलब एक ही body के अंदर male sex organ भी होंगे, एक ही body के अंदर female parts भी present होंगे, except कौन, कौन hermaphrodite नहीं है, कौन dioecious है, that is schistosoma, बाकी सारे क्या रहेंगे, hermaphrodite, and usually they perform sexual reproduction बच्चे, but कुछ forms इनकी ऐसी हैं which reproduce asexually also without the formation of gamete, that is going to be the planaria। planaria कौन सी asexual reproduction करती है, बाइनरी फिशन, और कौन सी बाइनरी फिशन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन।
ठीक है, ट्रांसवर्स समझते हैं. अगर ये बॉडी है, इफ द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू और मोर पार्ट्स, टू पार्ट्स इन दिस प्लेन, अगर इस प्लेन में डिवाइड करें ट्रांसवर्स एक्सिस, अगर इस प्लेन में डिवाइड करेंगे दैट इज गोइंग टू बी द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. तो यहाँ पर जो डिविजन है वो कैसी है, किस प्लेन में है, दैट इज ट्रांसवर्स प्लेन. सो दैट फिशन इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन. नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट देयर फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन जो है बच्चों बॉडी के अंदर होगी, हर्मेफ्रोडाइट बॉडी के अंदर होगी, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल. और जो डेवलपमेंट है, दिस डेवलपमेंट विल अकर विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट लार्वा. इंटरमीडिएट दैट मीन्स जो एग है, एग विल नॉट डायरेक्टली कन्वर्ट इन टू एडल्ट. बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, लार्वल स्टेज. और वो लार्वा फिर किस में कन्वर्ट करती है, एडल्ट में. अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि प्लैटी एलमेंटिस में जरूरी नहीं है एक ही लार्वल स्टेज हो, देयर कैन बी मोर देन वन. कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें 5 types के लार्वा होते हैं, कुछ में 4 के भी हो सकते हैं, कुछ में एक भी हो सकता है. सो मोर देन वन लार्वा, दीज आर सीन इन केस ऑफ प्लैटी एलमेंटिस. ठीक है, एंड दे एज यू टोल्ड दे हैव ट्रिमेंडस पावर ऑफ रीजनरेशन. लुक एट दिस कि कैसे ग्रो कर रहा है. अगर प्लैटी एलमेंट की बॉडी को यहां से कट किया जाए, देन दिस कट पार्ट कैन फॉर्म द होल बॉडी, दे कैन रीजनरेट द होल बॉडी. ठीक है, समझ आया सबको यहां तक? इज दिस क्लियर? मेनी लार्वल स्टेजेस आर देयर. डॉली मस्कीटो तो अभी इसमें आता ही नहीं है. मस्कीटो किसमें आएगा बच्चे? मस्कीटो विल कम इन आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा में पढ़ेंगे उसको. हाँ जी, होते हैं. समझ आ रहा है ना सबको? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? गुड स्टूडेंट्स, गुड. जिस जिसको क्लियर हो रहा है फटाफट से शेयर कर दो इसको, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को. जितने बच्चे प्रेजेंट है उतने शेयर होने चाहिए. सो देयर शुड बी अ कॉन्सेप्ट, अ फिनोमिना. टारगेट होना चाहिए आपका कि वन शेयर, वन लाइक, वन सब्सक्राइब, फटाफट से. नेक्स्ट, कमिंग टू द क्लासेस. नाउ यू ऑल नो दैट फाइलम, दीज आर डिवाइडेड इन टू क्लासेस. कैसे याद किया था हमने? कैसे? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, है ना? यही था आपका हायरार्की. तो फाइलम कौन सा है? ये प्लैटी एलमेंटीज. तो फाइलम की क्या होंगी आगे क्लासेस? सो देयर आर एक्चुअली 3 classes इन प्लैटी एलमेंटीज फाइलम. फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज टर्बुलेरिया, सेकेंड इज कॉल्ड एज ट्रेमेटोडा, थर्ड वन इज कॉल्ड एज सिस्टोडा. टर्बुलेरिया वो क्लास है जिसमें कैसे ऑर्गेनिज्म, कैसे प्लैटी एलमेंटीज रहेंगे, फ्री लिविंग प्लैटी एलमेंट. एंड द एग्जाम्पल इज प्लैनेरिया, ऑल्सो कॉल्ड एज बच्चे क्या नाम बताया था? ड्यूगेसिया. सेकेंड क्लास इज ट्रेमेटोडा. ट्रेमेटोडा इंक्लूड्स फेशियोला एज वेल एज किस्टोसोमा, राइट? और सिस्टोडा में कौन से होंगे? टीनिया वाले, टीनिया सोलियम एंड टीनिया सैजिनेटा. टीनिया सोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉक टेपवर्म. क्या बोलेंगे इसको? पॉक टेपवर्म. सैजिनेटा को क्या बोलते हैं हम? दैट इज कॉल्ड एज बीफ टेपवर्म. नाउ पॉक वर्ड इज एसोसिएटेड विद पिग, दैट मीन्स इसके होस्ट में, एक ना एक होस्ट में कौन होगा? पिग भी प्रेजेंट होगा. बीफ वर्ड इज रिलेटेड टू बफेलो, दैट मीन्स इसके होस्ट में एक ना एक ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा? बफेलो वुड बी देयर. So these are the organisms belonging to different class. One is the turbularia, जिसमें आएगा free living, that is the planaria. You are seeing their ladder-like nervous system. दिख रहा है सबको कि इस तरीके से यहाँ पे मुझे steps दिखाई दे रहे हैं. Steps दिख रहे हैं तो कैसा nervous system होता है? Ladder-like nervous system. और यहाँ पर क्या present है? Eye spots present है, which are not actually eyes. ये eyes नहीं है, ये क्या है? Patches है. इन पैचेस से सिर्फ इनको ये पता चलता है कि बाहर अंधेरा है या रोशनी है. दे कैन नॉट फिगर आउट कि व्हाट इज प्रेजेंट. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू फेशियोला. फेशियोला इज एक्चुअली द लिवर फ्लूक. लिवर फ्लूक इस तरीके से दिखाई देता है. वी विल टॉक लिटिल बिट मोर अबाउट लिवर फ्लूक इन डिटेल, आगे आज ही बात करेंगे. ये किस क्लास को बिलोंग करेंगे? क्लास नंबर 2, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेमेटोडा. और तीसरी क्लास कौन सी थी बच्चे? टीनिया वाली, टीनिया सोलियम एंड टीनिया सैजिनेटा. सोलियम रिलेटेड टू पॉक, सैजिनेटा रिलेटेड टू बीफ. नाउ इन दिस फाइलम देर आर 2 important ऑर्गेनिजम्स जो हमने डिटेल में करने हैं. कौन कौन से हैं? वन इज द फेशियोला, अदर वन इज कॉल्ड एज टीनिया.
नाउ बोथ ऑफ दीज आर एंडो पैरासाइट, ये होस्ट की बॉडी के अंदर रहेंगे, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, एंडो पैरासाइट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अबाउट फेशियोला। फेशियोला के स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे सब लोग। सबसे पहले लुक एट द डायग्राम। नाउ फेशियोला हैज गॉट ऑन देयर एंटीरियर साइड दे हैव गॉट ओरल सकर। सकर मैंने आपको बताया था क्या काम रहेगा सकर का, अटैचमेंट के लिए। अटैच होने के लिए किसका यूज होता है, सकर्स का यूज होता है। यहां पर ये जो ओरल सकर है अटैचमेंट के साथ और किसमें हेल्प कर रहा है, इंजेशन। जितना भी सब्सटेंस अंदर जाना है वो किसकी हेल्प से जाएगा, बाय दिस ओरल सकर। देन दे हैव वेंट्रल सकर ऑल्सो। यहां पर क्या प्रेजेंट है, एसिटाबुलम, ऑल्सो कॉल्ड एज वेंट्रल सकर, क्योंकि ये वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट है। अभी जो वेंट्रल सकर है दैट ओनली परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ अटैचमेंट, नॉट इंजेशन। यहां से कुछ भी सब्सटेंस अंदर नहीं जाते हैं। एंट्री के लिए सिर्फ हमारे पास कौन सा सकर है, दैट इज ओरल सकर। एसिटाबुलम और द वेंट्रल सकर डू नॉट फंक्शन इन द इंजेशन, बट यस दे फंक्शन इन द अटैचमेंट। साथ ही में दे हैव अनदर ओपनिंग विच इज कॉल्ड एज द गोनोपोर फॉर द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड फॉर द रिमूवल दे हैव गॉट एक्सक्रीटरी पोर। क्लियर हुआ, ओरल सकर, वेंट्रल सकर, गोनोपोर, ये सारे इनके एक्सटर्नल सर्फेस पे, दीज आर द पोर्स प्रेजेंट। नाउ फेशियोला इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिवर फ्लूक। क्यों, क्योंकि ये होस्ट के किस ऑर्गन के अंदर जाकर रहते हैं, किस ऑर्गन को इन्फेक्ट करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी द लिवर। आनंदी एनिमल किंगडम में एनसीईआरटी से बाहर नहीं बोलेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जरूर आते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो एनसीईआरटी सिर्फ मेंशन करता है, जिसका हमें डिटेल करना पड़ता है बच्चे, ठीक है। चलो बता दो, फेशियोला में, फेशियोला में इंजेशन के लिए कौन सा सकर है, ओरल सकर और द वेंट्रल सकर, जो इंजेशन ऑफ फूड में भी हेल्प करता है। कमॉन कमॉन, ओरल और द वेंट्रल, ओरल, वेरी गुड खुशबू, अनन्या, एनजे, एनजे, नाइस नेम एनजे। सो द सकर विच हेल्प्स इन द इंजेशन, दैट इज गोइंग टू बी द ओरल सकर। गुड रंजय, सूरज, आई वॉन्ट एवरी वन्स पार्टिसिपेशन इन दिस क्लास, माही, बुलंद, नाइस नेम बुलंद, मीनाक्षी, सब बच्चे मतलब ध्यान से सुन रहे हैं कि किसके थ्रू सब्सटेंसेस अंदर जाएंगे, दैट इज गोइंग टू बी एन ओपनिंग प्रेजेंट इन द ओरल सकर। नेक्स्ट थिंग, दे आर एनारोबिक, दैट मीन्स इनकी रेस्पिरेशन में क्या यूज नहीं होगा, रेस्पिरेशन वुड बी विदाउट एनी ऑक्सीजन। अगली चीज क्या रहेगी, दे आर हर्मेफ्रोडाइट, वो हमने बात कर ली थी कि ये क्या होंगे, हर्मेफ्रोडाइट, जिसमें मेल और फीमेल पार्ट एक ही बॉडी के अंदर होंगे। बट दिस फेशियोला डू नॉट परफॉर्म सेल्फ फर्टिलाइजेशन, they do not perform self fertilization. तो मतलब ये कौन सी fertilization perform करते हैं, they perform cross fertilization. बहुत सारे fasciola एक साथ होंगे जिसमें जो reproduction है, जो fusion है, वो different gametes की होती है, belonging to different organism. And very important thing, these are endoparasite, but these are digenetic endoparasite. Digenetic का मतलब होता है there are two hosts in the life cycle of fasciola. मैं यहाँ पर लिख रही हूँ important term, that is digenetic endoparasite. इसका मतलब है इनके life time में कितने host होते हैं, दो host. एक host को हम बोलते हैं primary host, दूसरे host को हम क्या बोलते हैं बच्चे, secondary host. प्राइमरी होस्ट इसमें से कौन सा है, प्राइमरी होस्ट इज एक्चुअली अ शीप और अ गोट, और इसका भी कौन सा पार्ट बच्चे, बाइल डक्ट। और बाइल डक्ट आपको पता है किस ऑर्गन में होती है, किस ऑर्गन में होती है, लिवर में होती है, दिस इज द प्राइमरी होस्ट। और सेकेंडरी होस्ट की बात करें, सेकेंडरी होस्ट कौन सा होता है, स्नेल्स, और सेकेंडरी होस्ट वो होता है बच्चे जिसके अंदर कौन सी फॉर्म्स होती है, लार्वल फॉर्म्स होती है। प्राइमरी होस्ट में लार्वल फॉर्म नहीं बनती, सेकेंडरी होस्ट में क्या होता है, लार्वल फॉर्म बनती है। इतना क्लियर हुआ, डाइजेनेटिक, डाइजेनेटिक का क्या मतलब हुआ, देयर आर टू होस्ट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी।
प्राइमरी होस्ट इस केस में कौन सा है? गोट, गोट का कौन सा हिस्सा? लिवर, लिवर में भी कौन सा पार्ट? पाइल्ड आउट, राइट। अगर बात करूं मैं सेकेंडरी होस्ट की, सेकेंडरी होस्ट इसमें से कौन रहेंगे? स्नेल्स, और सेकेंडरी होस्ट वो होगा जिसमें कौन सी फॉर्म होगी? लार्वल फॉर्म होगी। और फेशियोला है बच्चे, बहुत सारे लार्वा होते हैं, अराउंड 5 लार्वा लार्वल फॉर्म्स आर देयर इन फेशियोला और द लिवर फ्लू। नाउ वी विल टॉक अबाउट देयर लाइफ साइकिल। सब बच्चे इधर ध्यान देंगे। सबसे पहले दिस शीप, और यहां पर और क्या हो सकता है? गोट। दिस इज गोइंग टू बी विच होस्ट? ये कौन सा होस्ट है? प्राइमरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट के अंदर क्या बने? एग्स बने, है ना, फर्टिलाइजेशन हुआ, एग बने। एग के बाद इसके फीसिस के साथ बच्चे क्या निकला? मिरासीडियम। दिस इज द फर्स्ट लार्वा, पहला जो लार्वा बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? मिरासीडियम बन रहा है। मिरासीडियम कहां पर बन रहा है? मिरासीडियम इज डेवलपिंग आउटसाइड द होस्ट, आउटसाइड द होस्ट। मिरासीडियम बच्चे कहां पर बनता है? आउटसाइड द बॉडी ऑफ प्राइमरी होस्ट, मतलब बाहर पानी में। तो मतलब ये कैसा लार्वा है? दिस इज फ्री स्विमिंग लार्वा। कैसा लार्वा है? फ्री स्विमिंग लार्वा। मतलब एग्स रिलीज किए शीप की थ्रू फीकल मैटर के साथ, एग्स रिलीज हुए, वो एग्स बाहर आए पानी में, वो ग्रो करे, ग्रो करने के बाद उन्होंने पहली लार्वल फॉर्म बनाई, दैट इज मिरासीडियम फ्री लिविंग लार्वा, जो किसकी बॉडी के अंदर एंट्री ले लेगी? सेकेंडरी होस्ट। पहले समझिए बच्चे, फिर मैं आपको दोबारा से इसको रिवाइज कराऊंगी। एक बार इस डायग्राम से समझिए, उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाइड वे में लर्न करेंगे। सबसे पहले प्राइमरी होस्ट ने अपने फीकल मैटर के साथ एग्स रिलीज किए, एग्स बॉडी के बाहर आए, वो लार्वा में डेवलप हुए, पानी के अंदर बनाए लार्वा, उस लार्वा को हम क्या बोलते हैं? मिरासीडियम। नाउ दिस मिरासीडियम विल एंटर द बॉडी ऑफ स्नेल, सेकेंडरी होस्ट। तो अब ये बाकी का जो भी हो रहा है वो सब किसकी बॉडी के अंदर हो रहा है? सेकेंडरी होस्ट की बॉडी के अंदर, दैट इज स्नेल। तो मिरासीडियम अंदर एंट्री लिया, क्या बना? स्पोरोसिस्ट। स्पोरोसिस्ट से अगला लार्वा कौन सा बनेगा? रीडिया। रीडिया से अगला कौन सा बनेगा बच्चे? सर्केरिया। देन सर्केरिया विल लीव द स्नेल, वो बाहर आ जाएगा, कहां पर आ जाएगा? ग्रासेस पर आ जाएगा। ग्रासेस पर सर्केरिया के अराउंड एक सिस्ट बन जाएगा, एनसिस्टेड सर्केरिया, दैट इज कॉल्ड एज मेटा सर्केरिया। और मेटा सर्केरिया को कौन कंज्यूम कर लेंगे? प्राइमरी होस्ट। तो देखते हैं लार्वा कौन कौन सा था, लेट मी जस्ट नंबर दीज लार्वा फॉर यू। दिस इज नंबर वन लार्वा, ये वाला कौन सा है बच्चे? नंबर वन लार्वा, दैट इज मिरासीडियम। देन स्पोरोसिस्ट कौन सा है? नंबर टू लार्वा। थर्ड नंबर पे कौन सा बना? रीडिया। फोर्थ नंबर पे कौन सा बना? सर्केरिया। और फिफ्थ नंबर पे कौन सा बना बच्चे? मेटा सर्केरिया। फाइव लार्वल स्टेजेस आर देयर इन द लाइफ साइकिल ऑफ फिशियोला। पता चला कितनी लार्वल स्टेजेस हैं? पहली पहली कौन सी थी आपकी? मिरासीडियम, राइट। कहां पर बनी है? कहां पर बनी? बाहर बनी, ना प्राइमरी होस्ट के अंदर बनी ना सेकेंडरी होस्ट के अंदर बनी। किसके अंदर बना ये? वाटर बॉडी के अंदर बना, फ्री स्विमिंग लार्वा है। सेकेंड बना आपका स्पोरोसिस्ट, सेकेंड स्टेज पे कौन सा बना? स्पोरोसिस्ट। थर्ड नंबर पे कौन सा बना? रीडिया, राइट। फोर्थ नंबर पे कौन सा बना बच्चे? सर्केरिया। ये तीनों किसकी बॉडी के अंदर बने बच्चे? स्नेल की बॉडी के अंदर, विच इज सेकेंडरी होस्ट। और फिफ्थ एंड द लास्ट नंबर पे कौन सा लार्वा बना? दैट इज मेटा सर्केरिया। ये कहां पर बना? दिस ऑल्सो बिकेम इन आउटसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट, दैट इज इन द ग्रासेस। अब इस ग्रास को कौन कंज्यूम कर लेगा? गोट या फिर शीप, जिसकी वजह से ये किसके अंदर एंट्री ले लेगा? प्राइमरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट में फिर से एडल्ट बॉडी में कन्वर्ट होंगे, एडल्ट फिर क्या देगा? रिप्रोडक्शन करेगा, एग्स रिलीज करेगा, जो कि उसके फीकल मैटर के साथ होंगे, बॉडी के बाहर आएंगे। इज दिस क्लियर? कम ऑन टेल मी एवरीवन। देखने में ऐसा लगता है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, कैसे समझा जाए, लेकिन मैंने अभी आपको सिंप्लीफाइड करके बताया। कम ऑन टेल मी, क्या समझ आया सबको लाइफ साइकिल ऑफ फेशियोला? कम ऑन अवधेश, यासिर, विशाल, दीपा, इज दिस क्लियर? ऋषभ बताइए, थ्री होस्ट नहीं है बच्चे, होस्ट लिविंग बॉडी हो सकती है। यहां पर लिविंग बॉडी कौन सी है? एक तो शीप है, दूसरा कौन सा है? स्नेल्स है। तीसरा होस्ट आपको कौन सा लगता है? कोई भी नहीं है तीसरा होस्ट तो। श्योर, नामिका, संदीप, तीसरा होस्ट कौन सा कह रहे हो आप?
There is no third host. There are only two hosts. प्राइमरी होस्ट जिसमें एडल्ट बनता है, सेकेंडरी होस्ट जिसमें लार्वा बनते हैं. प्राइमरी होस्ट कौन सा रहेगा? शीप या फिर गोट, और उसका भी कौन सा पार्ट? लिवर. लिवर का भी कौन सा पार्ट? दैट इज बाइल डक्ट. वॉटर इज नॉट द होस्ट, सूरज. वॉटर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसके अंदर पैरासाइट रह सकता है. नो, होस्ट हैज टू बी सम लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो वाटर को हम होस्ट नहीं कंसिडर करते, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे. इसमें दो ही लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, दैट इज गोट एंड द स्नेल. ठीक है, चलिए मैं एक बार और आपको बता देती हूँ. कुछ बच्चों को अभी हल्की सी क्लैरिटी नहीं हुई है, दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले बच्चे एडल्ट की बॉडी में, इधर ऊपर ध्यान दीजिए, एडल्ट की बॉडी में, एडल्ट मतलब किसकी बात हो रही है? प्राइमरी होस्ट. प्राइमरी होस्ट की बॉडी में फेशियोला का क्या बना? एडल्ट बना. एडल्ट ने क्या किया? रिप्रोडक्शन की. कैसे रिप्रोडक्शन की? हर्मेफ्रोडाइट थे, मेल और फीमेल पार्ट बना. क्रॉस फर्टिलाइजेशन करी. क्रॉस फर्टिलाइजेशन करके इन्होंने क्या बना लिए? एग्स बना लिए. अब इस प्राइमरी होस्ट में से एग्स निकल के बाहर आ जाएंगे. कहां पर आ जाएंगे? वॉटर में आ जाएंगे. एग्स विल कन्वर्ट इन टू फर्स्ट टाइप ऑफ लार्वा, दैट इज कॉल्ड एज मीरासीडियम. राइट, एग्स में बना फर्स्ट टाइप ऑफ लार्वा कॉल्ड एज मीरासीडियम. अब इस मीरासीडियम को किसने कंज्यूम कर लिया? सेकेंडरी होस्ट ने, दैट इज स्नेल. ये क्या है? सेकेंडरी होस्ट. मीरासीडियम स्नेल की बॉडी के अंदर गया और इससे क्या बना? स्पोरोसिस्ट. क्या बना बच्चे? स्पोरोसिस्ट. स्पोरोसिस्ट आगे बना नेक्स्ट टाइप ऑफ लार्वा कॉल्ड एज रीडिया. रीडिया आगे कन्वर्ट हुआ नेक्स्ट टाइप ऑफ लार्वा कॉल्ड एज सर्केरिया. अब सर्केरिया स्नेल की बॉडी में से बाहर आया. बाहर कहां पर पहुंच गया? वो ग्रासेस में पहुंच गया. ग्रास में सर्केरिया ने अपने अराउंड एक कवरिंग बना ली, सिस्ट बना लिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेटा सर्केरिया. क्या बोलते हैं? मेटा सर्केरिया. और इस मेटा सर्केरिया को ग्रास में से किसने कंज्यूम कर लिया? प्राइमरी होस्ट ने. तो इस तरीके से ये पूरा साइकिल चलता रहता है. दिस कीप्स ऑन मूविंग. राइट डॉली? आई एम फाइन राजेंद्र, आई एम वेरी मच फाइन. हाउ आर यू बच्चे? काफी लेट हो गए आज तो. लेट आने वाले बच्चे देखो आई डोंट लाइक. यू हैव टू बी ऑन टाइम. अनामिका, यस अनामिका, क्लियर, गुड. तो अब आपको ये सब क्लियर हो गया. वन क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू, दैट आउट ऑफ ऑल द फाइव लार्वाज, विच लार्वा इट इज द इन्फेक्टिव स्टेज फॉर प्राइमरी होस्ट? प्राइमरी होस्ट कौन से लार्वा को कंज्यूम कर रहे हैं? मतलब प्राइमरी होस्ट को इन्फेक्शन कौन से लार्वा से हो रही है? कम ऑन टेल मी. प्राइमरी होस्ट को इन्फेक्शन किस लार्वा से होती है? इन्फेक्टिव स्टेज फॉर प्राइमरी होस्ट. देन आपको ये भी सोचना है इन्फेक्टिव स्टेज फॉर सेकेंडरी होस्ट. दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसमें से यही क्वेश्चन बनेगा. इन्फेक्टिव स्टेज फॉर प्राइमरी होस्ट इट इज विजिबल ऑन द स्क्रीन. सामने पेज पर दिख रहा है. वेरी गुड लक्ष्मी एंड निकिता. इन्फेक्टिव स्टेज प्राइमरी होस्ट के लिए इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी रहेगी? दिस वन, दैट इज मेटा सर्केरिया, क्योंकि ये मेटा सर्केरिया को कंज्यूम कर रहे हैं. और अगर बात करें इन्फेक्टिव स्टेज फॉर स्नेल्स, स्नेल्स के लिए इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी रहेगी? सेकेंडरी होस्ट के लिए इन्फेक्टिव स्टेज, हरिशंकर, वेरी गुड, दैट इज गोइंग टू बी द मीरासीडियम. मीरासीडियम किसकी बॉडी के अंदर एंट्री लेता है? स्नेल के लिए. सो दिस इज इंपॉर्टेंट दैट इन्फेक्टिव स्टेज फॉर प्राइमरी होस्ट, दैट इज शीप और गोट, इसके लिए क्या रहेगी? मेटा सर्केरिया. इन्फेक्टिव स्टेज फॉर सेकेंडरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट कौन से हमारे यहाँ पर? स्नेल्स. कौन सी रहेगी आपके पास? मीरासीडियम. तो पांच लार्वा में से दोनों के इन्फेक्टिव स्टेज पता होने चाहिए. बचे हुए तीन लार्वा किसकी बॉडी के अंदर बनते हैं? स्पोरोसिस्ट, रीडिया, सर्केरिया. किसकी बॉडी के अंदर बनते हैं? स्नेल्स की बॉडी के अंदर बनते हैं. सो वी आर डन विद वन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, दैट इज फेशियोला. फेशियोला इज कॉल्ड एज लिवर फ्लूक बिकॉज इट कॉज अ डिजीज विच इज कॉल्ड एज लिवर रॉट. ये कौन सी डिजीज कॉज करते हैं प्राइमरी होस्ट में? दैट इज लिवर रॉट. Moving on to next type of important organism, that is Tinea solium. Tinea solium is also called as pock tapeworm. Pock word is related to bache pig.
अब कैसा स्ट्रक्चर है इसका? दिस इज अ रिबन शेप्ड ऑर्गेनिज्म. कैन यू सी दिस रिबन शेप्ड ऑर्गेनिज्म, जिसमें इसके थ्री पार्ट्स रहेंगे. दिस इज द फर्स्ट पार्ट, द हेड, यू कैन से द हेड रीजन दैट इज कॉल्ड एज द स्कॉलिक्स. स्कॉलिक्स के पास क्या प्रेजेंट होंगे? हुक्स प्रेजेंट होंगे. क्या प्रेजेंट होंगे? सकर्स प्रेजेंट होंगे. दीज आर अडेप्टेशन फॉर बीइंग एन एंडो पैरासाइट. नेक्स्ट, दे आर ऑल्सो डाइजेनेटिक. डाइजेनेटिक मतलब लाइफ साइकिल में कितने होस्ट होंगे? देयर वुड बी टू होस्ट प्रेजेंट इन देयर लाइफ साइकिल. एक होगा प्राइमरी होस्ट, जिसके अंदर एडल्ट बनेगा. दूसरा कौन सा होगा? सेकेंडरी होस्ट, जिसके अंदर क्या बनेंगे? लार्वल स्टेजेस बनेंगे. प्राइमरी होस्ट कौन है इसमें? ह्यूमन, स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन. सेकेंडरी होस्ट कौन सा रहेगा? मसल्स ऑफ पिग. और इसी के अंदर कौन सी स्टेज बनेगी? लार्वल स्टेज बनेगी. नाउ फर्स्ट लुक एट दिस टीनियोसोलियम, दैट द बॉडी कंसिस्ट ऑफ प्रोग्लॉटेड. सेगमेंट्स दिखाई दे रही है आपको, वन सेगमेंट, टू सेगमेंट, थर्ड सेगमेंट. सिंस इसमें सेगमेंटेशन है, तो इसको हम बोलते हैं दे ऑल्सो शो द प्रॉपर्टी ऑफ स्यूडो सेगमेंटेशन. टीनियोसोलियम ऑल्सो शो द प्रॉपर्टी ऑफ स्यूडो सेगमेंटेशन, क्योंकि बॉडी इज डिवाइडेड इन टू वेरियस यूनिट्स. छोटे छोटे पार्ट्स आ रहे हैं जो एक साथ में जुड़े हैं. इन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं बच्चे? प्रोग्लॉटिड्स बोलते हैं. जो मेच्योर प्रोग्लॉटिड्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स. और ये जो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स हैं, दे कीप ऑन रिलीजिंग, यहाँ से अलग होते जाएंगे, ठीक है. एंड द प्रोसेस बाय विच दीज सेपरेट, दे लीव द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज एपोलाइसिस. क्या बोलते हैं उसको? एपोलाइसिस. तो बॉडी में बहुत सारे प्रोग्लॉटिड्स हैं, धीरे धीरे मेच्योर होते जाते हैं. मेच्योर वाले बॉडी से अलग होते जाएंगे. किस प्रोसेस से अलग होंगे? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एपोलाइसिस. गौरव, यू आर आस्किंग अबाउट ड्यूटेरोस्टोम्स. ड्यूटेरोस्टोम्स, ड्यूट का मतलब होता है सेकेंड, स्टोमा का मतलब होता है माउथ. जिसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें माउथ सेकेंड नंबर पर बने, मतलब एनस फर्स्ट नंबर पर बने, दैट इज कॉल्ड एज ड्यूटेरोस्टोम्स. ठीक है गौरव, क्लियर? जिसमें माउथ पहले बने दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोस्टोम, जिसमें माउथ सेकेंड नंबर पर बने दैट इज कॉल्ड एज ड्यूटेरोस्टोम. Now talking about their life cycle. देखो life cycle में दो host हैं. कौन कौन से host हैं? One is a primary host, that is human intestine. Other one is a secondary host, that is going to be the muscles of the pig. अब human की intestine में क्या हुआ? Human की intestine में इन्होंने क्या करा? Self fertilization करा, self reproduction करा. Reproduction के बाद eggs बने. Eggs क्या होंगे? They will come in this proglottid. They will separate by apolysis. और क्या होगा? They will pass out. वो किसके साथ pass out हो जाएंगे? With the feces. And if these feces, they come in contact with pig. देखिए, अगर ये eggs किसने ingest कर लिए? Pig ने ingest कर लिए. Then they will enter the intestine of the pig. Intestine में enter करने के बाद they will move on to the muscles of pig. और यहाँ पर जाकर ये क्या बनाएंगे? The larval form. And the larva here is called as cysticercus larva. क्या नाम है? सिस्टीसर्कस लार्वा, ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैडर वर्म. लार्वा को और क्या बोलते हैं बच्चे? ब्लैडर वर्म भी बोलते हैं. तो इस केस में, टीनियोसोलियम के केस में बच्चे, लार्वा कितना हुआ? सिर्फ एक ही हुआ. फेशियोला में कितने थे? फाइव लार्वा थे. टीनिया में कितने हैं? ओनली वन लार्वा. नो गौरव, सारे प्लैटीहेलमिंथियस एपोलाइसिस शो नहीं करते. जिनके पास प्रोग्लॉटिड्स प्रेजेंट होंगे, ओनली दे विल शो एपोलाइसिस. राइट, तो हुआ क्या? सबसे पहले इंटेस्टाइन में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एडल्ट. एडल्ट से क्या बने? एग्स बने. फर्टिलाइजेशन से एग्स क्या हुए? फीसिस के साथ बाहर आए. अब किसमें एंट्री ले लेंगे? इफ पिग विल कम इन कॉन्टैक्ट, इन दैट केस दीज एग्स विल एंटर द इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन के बाद किसमें जाएंगे? मसल में. मसल में जाकर क्या बना देंगे? लार्वा. दैट इज कॉल्ड एज सिस्टीसर्कस लार्वा. एंड द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दैट, कि अगर किसी पिग में सिस्टीसर्कस लार्वा प्रेजेंट है, सिस्टीसर्कस लार्वा इज प्रेजेंट, देन द मीट ऑफ दिस पिग इज कॉल्ड एज मीजली पॉक. क्या बोलते हैं इसको? मीजली पॉक. एंड इफ ह्यूमन कंज्यूम द अनकुक्ड और पुअरली कुक्ड मीट, अनकुक्ड बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो पुअरली कुक्ड मीट,
ऑफ दिस मीजली पॉर्क, इन दैट केस ये सिस्टी सर्कस किस में एंट्री ले लेगा, ह्यूमन बीइंग में, और क्या कॉज कर देगा, अ डिजीज, दैट डिजीज इज कॉल्ड एज सिस्टी सर्कोसिस। डिजीज कौन सी हो जाएगी बच्चे, सिस्टी सर्कोसिस। इज दिस क्लियर? इसीलिए बोला जाता है इफ यू आर कंज्यूमिंग मीट ऑफ एनी एनिमल इन दैट केस दैट मीट शुड बी प्रॉपरली कुक्ड, क्योंकि अगर पुअरली कुक्ड मीट है या फिर अनकुक्ड मीट है उसमें जो लार्वा है वो एक्टिव स्टेज में होता है, अगर वो लार्वा आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तो उसकी वजह से वहां पर एडल्ट बन सकता है, एडल्ट बन गया तो आपको क्या हो जाएगी, डिजीज हो जाएगी। इसमें एक ही लार्वा है देखो गौरव, तो इन्फेक्टिव स्टेज आप खुद से बता सकते हो, देयर इज ओनली वन लार्वा, दैट इज सिस्टिसर्कस। तो इन्फेक्टिव स्टेज ह्यूमन इंटेस्टाइन, ह्यूमन बीइंग के लिए क्या हो जाएगी बच्चे, सिस्टिसर्कस लार्वा। यस, पुअरली कुक्ड मीट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मीजली पॉर्क, अगर वो मीजली पॉर्क कंज्यूम किया जाएगा इन दैट केस आपके अंदर सिस्टिसर्कस लार्वा गया, लार्वा जाएगा तो उससे इंटेस्टाइन बन एडल्ट बनेगा, एडल्ट बनेगा तो डिजीज होगी, डिजीज इज कॉल्ड एज सिस्टिसर्कोसिस। Usually they do not cause death, Suraj. These are treatable disorders. Treat कर सकते हो if you diagnose it at early stages. Yes, cysticercus larva is also called as bladder worm. तो मैंने आपको आज दो important platyhelminthes बताए, थोड़ा सा revise करें तो कौन कौन से बताए आपको, fasciola बताया, fasciola का दूसरा नाम क्या है, liver fluke। अगला बताया आपको tediasolium, tediasolium को और क्या बोलते हैं हम, pock tapeworm। दोनों कैसे parasites हैं, कैसे पैरासाइट है, एंडो पैरासाइट, और कितने होस्ट है दोनों की लाइफ साइकिल में, देयर आर टू होस्ट। पहले होस्ट को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी होस्ट, जिसमें लार्वा बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी होस्ट। इन द लाइफ साइकिल ऑफ फेशियोला हाउ मेनी लार्वल स्टेजेस वर प्रेजेंट, फाइव लार्वल स्टेजेस वर प्रेजेंट। व्हाइल इन द लाइफ साइकिल ऑफ टिनियासोलियम हाउ मेनी लार्वल स्टेजेस आर प्रेजेंट, ओनली वन लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट। ठीक है, सो विद दिस वी आर डन विद स्टूडेंट्स प्लैटीहेलमिंथीज। प्लैटीहेलमिंथीज में जो आपकी इंपॉर्टेंट चीजें थी, इंपॉर्टेंट चीजें विच इंक्लूड्स देयर डाइजेस्टिव सिस्टम दैट इज हैविंग अ सिंगल ओपनिंग, इसीलिए हम उसको ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान बोलते हैं या इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग वॉज अबाउट देयर एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन किससे होती है, वही फ्लेम लाइक सेल्स कॉल्ड एज फ्लेम सेल्स, जिसमें फ्लेम की तरह वो अपीयरेंस देते थे उसके फ्लैजेला। देन देयर नर्वस सिस्टम सीढ़ी की तरह था, क्या बोला था उसको, लैडर लाइक nervous system। And the next last one is two important platyhelminthes, that is tiniasolium as well as the fasciola। इसके बाद एक और platyhelminth है जिसको हम बोलते हैं tinea saginata। Saginata word किसके लिए आया है, beef के लिए आया है। So in that case life cycle includes buffalo as their host। यहाँ पर life cycle में कौन है इनका host, that is pig। अगर और specific जाए तो muscles of pig। So things are clear up till this, समझ आया सबको। यूनिक फीचर, वेरी गुड साई, अच्छी चीज आपने याद कराई। तो यूनिक फीचर अगर मैं बात करूं प्लैटीहेलमिंथ की, क्योंकि हम हर फाइलम के बाद यूएफ की बात करते हैं ना, यूएफ, यूएफ क्या है हमारे, यूनिक फीचर। तो पहला यूनिक फीचर क्या है, प्रेजेंस ऑफ फ्लेम सेल, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे एक और में भी आते हैं, मैं बात करूंगी, बट दीज आर स्पेसिफिक टू प्लैटीहेलमिंथीज एज वेल, सो फ्लेम सेल। सेकेंड यूनिक फीचर क्या है, प्रेजेंस ऑफ लैडर लाइक नर्वस सिस्टम, सीढ़ियों वाला नर्वस सिस्टम, दैट इज लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। सो दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट यूनिक फीचर। और क्या इंपॉर्टेंट चीज है इसके बारे में, दीज आर फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक। और क्या बताया था, दीज आर फर्स्ट फाइलम, दिस इज फर्स्ट फाइलम टू हैव बायलैटरल सिमेट्री, टू हैव बायलैटरल सिमेट्री। प्लस इनके पास क्या प्रेजेंट होंगे, हुक्स होंगे, सकर्स होंगे। आयशा कब तक चलेंगी, जब तक आपका सिलेबस पूरा नहीं होता तब तक चलेंगी यूट्यूब पे क्लासेस। सो आई होप थिंग्स आर क्लियर टू एवरीवन, गिव मी थम्स अप बच्चे, जिस जिसको आज का लेक्चर समझ आया, जिसको मजा आया, कम ऑन टेल मी इन द चैट सेक्शन। टुमारो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट फाइलम, नेक्स्ट इज गोइंग टू बी द असेक हेलमिंथीज। कम ऑन कम ऑन, राइट, फटाफट से जिस जिसको समझ आ चुका है गिव मी थम्स अप इन द चैट सेक्शन, प्लस डू लाइक द सेशन, फटाफट से शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर कोई बच्चा नया है जो फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहा है, डू सब्सक्राइब द चैनल। आई विल सी यू टुमारो विद द नेक्स्ट टू फाइलम्स, दैट इज असेक हेलमिंथीज एंड एनेलिडा। सी यू देन, टेक केयर।